प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जय श्री कृष्णा हमारे इस चैनल पर। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री एंड यू आर वॉचिंग सम स्पेशल थिंग्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी। प्रिय दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी के आज इस सेशन में हम बात करेंगे नीच बुध पर। जी हां, मीन राशि का नीच बुध किस तरीके से हमें फलीभूत करता है, उसके शुभ फल मिलते हैं या अशुभ फल मिलते हैं, इस पर हम सारी जानकारी आपको देंगे। यदि आपके भी होरोस्कोप में बुध नीच के हैं तो किस तरह का आपको फैक्ट बुध के द्वारा देखने को मिलेगा लाइफ में, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हार्डली कि प्लीज डू दिस माय चैनल सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन और लेट्स गो स्टार्ट द डिस्कस। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि बुध मीन राशि में नीच हो जाते हैं। मीन राशि में यदि कुंडली में बुध बैठे हों तो समझिए कि हमारा या उनका जो बुध है, मरकरी है, वो डेबिलिटेटेड है, नीच होकर के बैठ गया है। अब इसका फल क्या हो सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बुध जो है वो शरीर में वाणी का कारक है। बुध के द्वारा कई बार जैसे कि बुध का जो प्रभाव वो विशेषकर वाणी पर, बुद्धि पर, विद्या पर और जीवन में, खासकर आप सब्जेक्ट की बात अगर करें जो हमारे स्टडी में आता है, तो जिनका बुध नीच का होता है या बुध की स्थिति सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं होती, उनका आप देखना सब्जेक्ट में जो मैथ का कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें वो वीक होंगे। बुध वाणी का कारक है, इसलिए दोस्तों नीच बुध का प्रभाव सबसे पहले वाणी पर पड़ता है। वाणी ऐसे लोगों की ऐसी हो जाती है कि वो जो है मतलब अपनी वाणी से लोगों की अवहेलना करने वाले कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं, यदि बुध की सिचुएशन ज्यादा ही खराब है या फिर नीच है। यहां पर दोस्तों बुध के प्रभाव से वाणी जो है ऐसे लोगों में वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है और वाक्पटुता के कारण कई लोग जो है अपना व्यापार से संबंधित भी बुध है तो बुध जो है व्यापार को भी प्रदान करता है। साथ में ऐसे लोग जो है सदा मन से, हृदय से यौवन रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज आप देखिएगा, शरीर की जो एक्टिविटीज है, उनका नेचर है, उनका कल्चर है, वो जो है युवा वाले गुण उसके अंदर होंगे। चाहे वो व्यक्ति कितना भी वृद्ध हो जाए, कितना भी एजड हो जाए, लेकिन जो कहते हैं ना कि मिच्योर कम दिखाई देते हैं ऐसे व्यक्ति। साथ में बुध बुद्धि का भी कारक है। बुध नीच होने से कई बार ऐसा देखा गया है कि बुध के नीच होने से ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में, लिखाई में बहुत कमजोर हो सकते हैं, और यदि पढ़ाई लिखाई करते भी तो ऐसी चीजों का जिनके खिलाफ के माँ बाप हमेशा रहते हैं कि भाई ये मत पढ़ो, ये काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भले ही सक्सेस होते हैं लेकिन एकदम अपोजिट चीजों को पढ़ना इनको ज्यादा पसंद होता है। जिस जो डेस्टिनी है या जिस जो आपका रास्ता है, जिसलिए माँ बाप ने आपका एडमिशन कराया है या आपको जहाँ जाना है गंतव्य स्थान को, डेस्टिनी को, वहां तक आप नहीं पहुंचते बल्कि और ही कहीं आपका मन लगता है, इस तरह की सिचुएशन नीच बुध के कारण हो जाती है। नीच बुध वाले कई बार जो है पढ़ाई लिखाई में, कई बार जो है यानी कि पढ़ाई जो है बीच में ब्रेक भी हो जाती है,
किसी वजह से पढ़ाई छोड़नी भी पड़ सकती है कुछ समय के लिए। हालांकि जिनका बुध का नीच है वो बहुत शार्प माइंडेड बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और बुद्धिमान होने के साथ साथ वाक्पटुता से अपने कार्य को कैसे संभालना है, अपने कार्य को कैसे बनाना है, मुझे कैसी बात बोलनी है जिससे जो है सामने वाला आपके ऊपर अट्रैक्ट हो, आपके प्रोडक्ट को ले सके, आप जो फायदा उससे चाहते वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बुध नीच का है तो बुध से रिलेटेड जीवन में ऐसे लोग जो है कवि हो सकते हैं। ग्लैमर की दुनिया में ग्लैमर से संबंधित कुछ भी कोई लेखन का कार्य कर सकते हैं, यानी कलम का काम जिनका हो वो नीच बुद्ध जो है उनको इन क्षेत्रों में बहुत ही आगे पहुंचाता है, बहुत अच्छा रखता है। बुद्ध से संबंधित लेखन इत्यादि का जो भी काम है सारा बुद्ध का है, चाहे वो राइटिंग हो या राइटर हो, ये सभी नीच बुद्ध खासकर व्यक्तियों को ऐसे कार्यों में प्रोग्रेस देता है। कई बार जो है लोगों के शरीर में घुटनों के भी प्रॉब्लम देखी जाती है। जी हाँ, घुटनों में ऐसे लोगों के दर्द रहता है। बेंस शरीर की जो नसें हैं उनको भी इफेक्ट करता है बुध, नीच बुध। बुध खराब होना मतलब जिनका बुध नीच का है उनके शरीर में घुटने के दर्द के साथ साथ, या फिर किसी किसी को जो है फोड़े फुंसियों का भी काफ़ी परेशानी रहती है। लोग ऐसे लोगों पे फोड़े फुंसी खुजली स्किन प्रॉब्लम्स, बुध जो है स्किन का कारक है, यानी कि हमारी शरीर की त्वचा का, तो त्वचा पर कई तरह के रोग भी दे सकता है नीच का बुध। साथ में प्रिय मित्रों, बुध जिनका नीच का होके बैठ जाता है वो जो है अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते, यानी कि उनको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता। अपना बुध खराब करने का मतलब है और कारण है कुछ भी बोल देना, मुंह फट हो जाना किसी से कुछ भी। कई लोगों की आदत होती है कि किसी की अपनी वाणी द्वारा जो है अवहेलना करना, अपमान करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, ये सब वही लोग करते हैं जिनका बुध नीच का होता है, या फिर बुध की जो सिचुएशन है हॉरोस्कोप में वो बेटर नहीं होती है। इसलिए नीच का बुध खराब कर रहे हैं वो लोग जो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। मुंह से वाणी में 24 घंटा कोई ना कोई गाली गलोच या अपशब्द बना रहता है। और मेरे मित्रों, जिनका बुध नीच का है उनकी कई बार वाणी जो है वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कभी किसी के लिए भी कि जो है वो एकदम से, मतलब कहते हैं ना काली जवान, तो जिनका बुध नीच का है उनकी काली जवान भी होती है। वो अच्छा बोलते हैं तो अच्छा नहीं होता, लेकिन वो किसी को अगर बुरा बोल दे तो वो लग जाता है। होता है ना समाज में कई बार कि ये आदमी बोलता है और ये हो जाता है, तो बुध नीच का प्रभाव है ये। प्रिय मित्रों, यदि शास्त्र के हम ठोस वचनों को बुध के प्रति यदि सुने और इनको समझे तो ज्योतिष शास्त्र हमारे जो धर्म ग्रंथ के जो लेखक हुए हैं वो कहते हैं कि बुध जब नीच के हो जाते हैं तो शुभ सुमतिर्वर युवती शुभ शीला भातृवचना अनुमुदिता अनुमुदिता संतति पुत्र विहीनो नीचस्ते चंद्रजे जाता। प्रिय दर्शकों, इसका मतलब है कि शास्त्र कह रहा है कि जिनका नीच का बुध होता है, एक तो वो वाणी का
वाणी पर उनका कंट्रोल नहीं होता, वाणी उनकी बड़ी विनोदी स्वभाव की हो जाती है, किसी का भी हंसी मजाक इत्यादि उड़ाना। साथ में लेकिन यदि ऐसे पुरुष हैं जिनकी जिनकी भी हॉरोस्कोप में नीच के बुध हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, स्वभाव से बहुत ही सुशील और सुंदर, शरीर से भी बहुत सुंदर होते हैं, और खुद भी जिनका बुध का नीच का है वो लोग जो है काफ़ी सुंदर और अच्छे दिखने वाले होते हैं। प्रभावित दिखने की बात यदि करें, शरीर से तो सुंदर और अट्रैक्टिव, साथ में प्रभावित होते हैं, लेकिन जब इनकी जो ये एक्टिविटीज को लोग देखते हैं तो काफ़ी बार जो है दोनों में स्वभाव सुंदरता में दोनों में काफ़ी जो है डिस्टेंस नज़र आता है लोगों को। तो मित्रों यहाँ पर जो है बुध के शास्त्र सम्मति से, बुध के प्रभाव से जो लाइफ पार्टनर होगा ऐसे लोगों का जिनका बुध निज का है, वो निश्चित रूप से सुंदर भी होंगे और स्वभाव उनका बड़ा ऐसा स्वभाव कि किसी को भी भा जाए, किसी को भी अपने स्वभाव से जो है अपनी तरफ कर ले, ऐसा नीच बुध जो है प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाने वाले ऐसे लोग होते हैं, यानी दूसरा भी अट्रैक्ट इनको अगर करे तो ये जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं, और खासकर स्त्री पुरुष के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर जो है स्वभाव इस तरीके का हो जाता है, लेकिन इनका पार्टनर हमेशा सद्बुद्धि वाला होता है, इनको हमेशा संभालने वाला और इनका पूरा सपोर्ट करने वाला होता है। वो ये नीच के बुद्ध वाले भले ही इनका नेचर दूसरे टाइप का हो, नेचर कुछ जिस तरह का मैंने आपको बताया वो सब हो, लेकिन इनके जो भी पार्टनर होते हैं स्त्री के पुरुष या पुरुष के स्त्री, वो काफ़ी बुद्धिमान, तेज दिमाग, सुशील स्वभाव वाले और अच्छे समझदार मेच्योर व्यक्ति इनको मिलते हैं बुध के नीच बुध के प्रभाव से मित्रों। लेकिन नीच बुध के प्रभाव से विशेष बात यहां पर यह शास्त्र की आती है कि जिनका नीच का बुध है वो बहुत लोगों के साथ ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि संतति होने में उनको उन यानी कि परिवार संयोजन में संतति होने में काफ़ी उनको दिक्कत हो सकती है, और कईयों की जो है संतति होती भी नहीं है। नीच बुध के प्रभाव से यदि किसी स्त्री का नीच बुध है तो उनके नीच बुध के प्रभाव से जो है संतति यानी कि बच्चे होना असंभव हो जाता है नीच बुध के प्रभाव से। साथ में मित्रों नीच बुध जिनका है वो व्यापार में अच्छे होते हैं, लेखन इत्यादि कार्यों में अपना जीवन अच्छा चलाते हैं, साथ में वाणी के प्रभाव से खाते हैं, यानी कि वाणी के प्रभाव से जीवन में चलते हैं। तो ये था संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया नीच बुध का फल, और यदि जिनके नीच के बुध हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा बुध जो है सही करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, शुभ फल हमें प्राप्त हो, उसके लिए यदि आपको उपाय चाहिए मेरे मित्रों, तो उसके लिए उपाय ये है कि जो बुध होता है पर्टिकुलर आप जो है बुध का वैदिक उपाय कीजिए, और बुध का जो वैदिक उपाय है वो है कि बुध की संख्या में, बुध की जो संख्या होती है जाप की, उस जाप की संख्या में आप जाप करें। ना हो सके तो आप कम से कम प्रतिदिन जो है 3 माला 4 माला 5 माला जाप जो है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सा बुधाय नमः इसका यज्ञ, इसका जो है जाप करें, और उसके बाद जब जाप पूरा हो जाए आपको लगे कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो उसके बाद जो है उसका दशांश जितना भी आपने किया है उसका यज्ञ करवा दें, और हो सके तो किसी ब्राह्मण को हायर कर लें, अदरवाइज जो है आप स्वयं भी जो है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सा बुधाय नमः इससे जो है आप आहुति प्रदान कर सकते हैं यज्ञ में, जिससे कि आपका बुध जो है शुभ हो जाएगा। साथ में दोस्तों बुध को शुभ करने के लिए आप चांदी धारण कीजिए, चांदी के प्रभाव से बुध बहुत प्रसन्न होता है, चांदी आप दान कर सकते हैं। बुध हरे वृक्षों को आप लगाइए, हरे वृक्षों के लिए पैसा दीजिए, या फिर गायों को जो है हरा चारा आप खिला सकते हैं, गाय की सेवा करना, अब हरा चारा खिलाओ कुछ भी चारा खिलाओ, लेकिन गाय की सेवा करना यहाँ बुध के लिए बहुत ही शक्तिशाली ये एक उपाय है जो कि आप पर पूरा प्रभाव करेगा।
और इसका जो वैदिक उपाय है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बुध का के लिए नारियल हो गया, कुछ चांदी हो गई, साथ में जो है हरी जो मूंग की दाल हो गई वो हो गई, एक हरा कपड़ा हो गया उसमें ये सारी चीजें बांध करके अनेक प्रकार के पुष्प, अलग अलग रंग बिरंगे पुष्प लेकर के आप जो एक पोटली में बांध करके और किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर गौशाला में आप जो है धन के साथ में कुछ उसमें द्रव्यादि भी होना चाहिए, यानी कि पैसा इत्यादि जो कुछ भी आप दे सकते हैं वो दे करके जो है आपको गौशाला में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को जो है आपको दान करना चाहिए। इस दान के प्रभाव से निश्चित रूप से बुध से हो रही परेशानियां और बुध से संबंधित जो भी आपके रोग हैं शारीरिक वो निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। यदि किसी को रोग है, शारीरिक कष्ट कोई है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, कोई खुजली हो रही है, कोई दाद हो रहा है, तो उसमें आपको चाहिए कि ये जो है यही पोटली बना करके आप इसको जो है 7 बार अपने शरीर से उतारिए, यानी एंटी क्लॉक वाइज जो है आपको इसको राउंड घुमाना है और घुमा करके किसी ब्राह्मण को अथवा किसी दान संस्था में इसे दान कीजिए। ये बहुत ही बेहतर और शक्तिशाली उपाय है। तो प्रिय मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर अपनी हॉरोस्कोप को एनालिसिस करने के लिए, प्रेडिक्शन जानने के लिए आप जो है हमसे अपॉइंटमेंट स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम समय अनुसार आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा।